हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विथ आर एन मंडल। हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, राइट? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेटर वे टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग इन द पोएम, इन एनी सेंटेंसेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, राइट? क्लास 10th एज वेल एज 12th और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई विल एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द फिगर ऑफ स्पीच, राइट? ऑलमोस्ट 14 फिगर ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो विथ कम्प्लीट नोट एज वेल एज प्रॉपर एग्जाम्पल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इफ यू फाउंड द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज टू क्रिएट एन इफेक्ट। इसका बेसिकली यूजिंग अधिकतर जो सेंटेंस की ब्यूटी है, सेंटेंस को अधिक प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बोलने का जो एक तरीका है उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अधिकतर इसमें पोएम में यूज़ होती है, म्यूजिक्स में यूज़ होती है, सॉन्ग्स में यूज़ होती है, राइट? किसी लैंग्वेज को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका है, राइट? तो इसी को फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन, द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट वन इज स्मिली। स्मिली क्या है? इट्स comprises different things using the words like or as, right? इस ए ही आपका हिंट है। अगर किसी वर्ड्स में लाइक एज का यूज़ हुआ है, राइट, इज एम आर के साथ, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है, स्मिली है, राइट? लाइक ही रन एज ए चीता, वह चीता की तरह दौड़ रहा है, राइट? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको देख लेना आप। ही लुक्स लाइक लॉयन अमंग द हाइनर्स, राइट? He fought as a tiger, right? उसका जो fighting करने का जो तरीका है, लड़ने का जो तरीका है, tiger की तरह है। हम लोग उसको directly तो tiger नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके तरीके को appreciate कर रहे हैं, right? वो ऐसा खड़ा है गिदड़ों के बीच जैसे कि एक lion हो, right? किसी इंसान को, किसी को हम लोग अगर glorifying करते हैं, example देते हैं, तो इस type से बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। ही लुक्स लाइक अ लॉयन, जैसे लाइक है, एज है, अगर ऐसा वर्ड यूज़ होता है तो डायरेक्टली आप कैच करेंगे कि ये स्मिली है। नेक्स्ट आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? डायरेक्टली रेफर टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर। इसमें हम लोग डायरेक्टली कोई भी पर्सन्स को, कोई भी चीज़ों को डायरेक्टली रेफर करते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं, और इसमें इज एम आर का यूज़ होता है अधिकतर, देख सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है लाइफ इज जर्नी। लाइफ क्या है? एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक पार्ट है, राइट, सफ़र है। तो लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ कैसे जर्नी हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको एक इस टाइप से बोलते हैं कि लाइफ भी एक सफ़र है, जर्नी है, यात्रा है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। लाफ्टर इज़ द म्यूज़िक ऑफ द सोल, राइट? लाफ्टर इज़ द मेडिसिन, ऐसे कुछ बोला जाता है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफर, डायरेक्टली क्या है, एक सेंटेंस। नेक्स्ट, एक एग्जांपल और भी है, इसको आप ध्यान से देख लेना और समझ लेना। पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब टू लुक लाइक अ पर्सन, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स को किसी ह्यूमन बींग के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, देन इट विल बी पर्सोनिफिकेशन, थिंक लाइक ए ह्यूमन, इसका हिंट है, राइट? एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग कोई भी ह्यूमन बींग्स को। द विंड होल्ड इन द नाइट एंड लाइट टिनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। जो विंड है, हाउल्ड, हाउल्ड जो ऐसे सी आर चिल्लाते ना, हाहुआ हुआ करते हैं, तो ऐसे विंड भी करती है। एक जो लिविंग थिंग्स है उसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा, हालांकि जो विंड है ऐसा क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन विंड को एक लिविंग थिंग के साथ क्या किया जा रहा, कंपेयर किया जा रहा, राइट? सो लाइटनिंग भी क्या है, जो कड़कती हुई बिजली है, वो भी डांस करती है। सो डांस कौन कर सकता है, लिविंग बींग ही कर सकती है जो लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। सो लिविंग थिंग के साथ जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग का कंपेरिजन करते हैं, तब इसको बोल सकते हैं। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, क्या है, प्यार अंधा होता है। अंधा कोई इंसान हो सकता है, कोई लिविंग थिंग्स हो सकता है, लेकिन प्यार कैसे हो सकता है, फिर भी
इसको इस टाइप से अगर हम लोग कंपेयर करें देन इट विल बी परसोनिफिकेशन. लव इज़ ब्लाइंड, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. टीचर कौन हो सकता, कोई एक ह्यूमन बींग ही हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस को सबसे बड़ा से बड़ा क्या माना गया है, टीचर है. लाई हैज़ नो लेग, राइट. झूठ के पैर नहीं होते, पैर कोई भी लिविंग थिंग्स के होते हैं लेकिन झूठ के नहीं होते, ऐसा कहावत है. तो इस टाइप्स के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, परसोनिफिकेशन. क्लियर है यहाँ तक, आई होप. एलिट्रेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंसेस में, राइट. एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती है, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है. इन इट टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, राइट. भावल स्वर जो कॉन्सोनेंट होती है, तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड का ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिट्रेशन, एलिट्रेशंस, राइट. एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको देख लेंगे आप, जो वर्ड्स बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट. तो इसको देख लेंगे आप. फर्स्ट लेटर कम अगेन एंड अगेन, ऑल आर कॉन्सोनेंट. जो फर्स्ट लेटर है वो बार बार आती है, जो फर्स्ट लेटर है, राइट. और सेंटेंसेस में रिपीट होती है, वर्ड्स में रिपीट होती है, और कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नॉन एज एलिट्रेशन. जैसे डांसिंग डेफोडिल्स, राइट. ड की साउंड आ रही है, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर है. ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक बियर, टंग ट्विस्टर है. तो उसको आप देख सकते हैं क्या है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट वर्ड है और ये एलिटरेशंस में ही आते हैं, राइट. एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया. इसके बाद आता है हाइपरबली. इसको हाइपरबोल भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है इट इज़ हाइपरबली, राइट. हाइपरबली. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एग्जीग्रेशंस इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, राइट. किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबली, राइट. पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो क्या है, हाइपरबली है. नेक्स्ट मिलियन डॉलर स्माइल, उसकी जो स्माइल है मिलियन डॉलर की है, राइट. इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना कि बहुत ज़्यादा एग्जिगरेट हो, बहुत ज़्यादा लगे कि ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन बताया जा रहा, राइट. दैट इज नोन एज हाइपरबली. एक क्लियर है हाइपरबली क्या होती है, कोई भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप जितना उसकी वैल्यू ना हो उससे भी बड़ा चढ़ा के बोलना, दैट इज नोन एज हाइपरबली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को. जैसे और एक एग्जांपल हो सकती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. अति से भी अति बहुत ज़्यादा कर देना, उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं. आई एम सो हंगरी आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक पहाड़ को या हॉर्स को खा सकता हूँ, इतना मतलब है बोला जाता है. तो इसका यूज़ क्यों करते हैं सेंटेंस में, और ज़्यादा ब्यूटी बताने के लिए, ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए इस टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है ऑनोमोटोफिया. व्हाट इज़ ऑनोमोटोफिया, इन इट वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड द थिंग प्रोड्यूस. ऑनोमोटोफिया जो होती है, इन इट्स वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड एंड द थिंग प्रोड्यूस. इसकी जो साउंड होती है, इसका साउंड्स पर डिपेंड होती है, राइट. साउंड्स के जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है, उसकी साउंड्स प्रोड्यूस होने के बाद जो साउंड्स क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं ऑनोमोटोफिया. जैसे स्प्लैश बज हीज बूम, जैसे कोई भी वाटर ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉपिंग के टाइम, राइट, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज योर ऑनोमोटोपिया. क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा, ऑनोमोटोपिया हम लोगों ने बना लिया है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा है नंबर 7, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होती है, इन इट द स्टेट्समैन अपियर द कॉन्ट्राडिक इट्सेल्फ. ऐसे सेंटेंस में एक दूसरे पर अपोजिट होती है, कंट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे पर ऐसा लगता है कि जो सेंटेंसेस है आपस में कहीं मैच नहीं हो रही है, लेकिन समझ में आता है लेस इज़ मोर, राइट. दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, हालांकि यही शुरुआत है और यही इसी का ही अंत है, राइट. यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, और एग्जांपल लेते हैं, यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट. एक सेंटेंस में ही एक विरोधाभास है, सेंटेंस ही एक दूसरे पर अपोजिट है, देख सकते हैं. यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, अगर किसी को मनी अर्न करनी है, कमाना है, तो उसके स्पेंड करना पड़ेगा. अर्न और स्पेंड एक दूसरे पर क्या है, अपोजिट वर्ड है, इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है. सो कोई भी चीज़ों को अर्न करने के लिए, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट होती है, राइट. स्पेंड करना होता है, देन यू विल अर्न. सो इन दिस वे, इसीलिए कहा जाता है यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, राइट. कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह
आपकी लगती है। नेक्स्ट जो है तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आयरनी क्या है? द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द मीनिंग अपोजिट टू व्हाट इज़ एक्चुअली सेड, राइट। किसी को बैंग करना, राइट, बैंग मतलब इस टाइप से बोलना कि डायरेक्टली ना बोल के और उसके अपोजिट बोलना, और सामने वाला बंदा अपने आप समझ जाता है। द फूल नोज मोर देन यू, राइट। कभी कभी कहा जाता है जो मूर्खों की टोली है वो आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, कभी कभी ऐसा कहा जाता है। वाटर, वाटर एवरीवेयर, चारों ओर, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है, राइट। जैसे आप समंदर में जाते हैं, कोई वॉयज में जाते हैं तब बोला जाता है। थर्ड एग्जांपल्स जो मैंने लिखा है इसको देख सक करके आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या लिखा है। अनसिंकेबल टाइटेनिक सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। वॉयज जो होता है, वॉयज क्या होती है, वॉयज इज टाइप ऑफ वन ट्रैवलिंग और यात्रा जिसको बोलते हैं, जो सी के थ्रू, राइट, शिप के थ्रू किया जाता है। जो टाइटैनिक थी उसको माना जाता था, विश्वास किया जाता था कभी वो डूबने वाला नहीं, अनसिंकेबल था, लेकिन वो फर्स्ट वॉयज में ही वो सिंक हो जाती है और डूब जाती है और बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, आयरनी बोलेंगे, ठीक है। एल्यूजन, एल्यूजन्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट रेफर टू ए फेमस पर्सन, प्लेस और हिस्टोरिकल इवेंट, एदर डायरेक्टली और थ्रू इम एप्लीकेशंस, राइट। कोई इवेंट, कोई कैरेक्टर को किसी के थ्रू बोलना, राइट। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूजन, राइट। एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, लाइक वी हैड एन आइंस्टीन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में क्या है, आइंस्टीन है, राइट। वी हैड आइंस्टीन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में क्या है, आइंस्टीन है, आइंस्टीन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। मतलब उनके जो कैरेक्टर है, उनकी जो मतलब क्वालिटीज़ है, उनके बारे में बात किया जा रहा है कि हमारे कंट्रीज में भी इस टाइप्स के इंसान हैं, इस टाइप्स के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात किया जाता है। कोई इवेंट के बारे में बात किया जाता है, कोई ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात किया जाता है इसमें, उसको बोलेंगे हम लोग एल्यूजन्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पन। पन क्या है, इट इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर साउंड बट विद डिफरेंट मीनिंग। इसके जो साउंड्स होती है राइट, लगभग लगभग सेम होती है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्लियर है। So that is known as pun, right? A picture tell a thousand word, right? A picture tell a thousand word. एक जो picture है वो हजारों words को describe कर सकती है। A leopard cannot change its spots. जो leopard है कभी भी अपना spots change नहीं कर सकती है, right? तो फिगर ऑफ स्पीच इसको देख लेते हैं। लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट, राइट। इस सेंटेंस को, इसके सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं कि फन क्या होती है, वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच है ना। तो द लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट, मतलब ऐसा इंसान जो जिसका जो स्वभाव होता है, जिसका जो कैरेक्टर होता है, वो कभी भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। जिसने धोखा दिया वो दोबारा धोखा देने की उसमें चांसेस हैं, तो आप उस पर बिलीव ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए कहा जाता है लेपर्ड के नॉट चेंज इट्स स्पॉट, राइट। तो इसी का मतलब क्या है, पन है, इट इन्वॉल्व वर्ड विद सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। साउंड तो लग रहा है कि आपका सेम है, लेपर्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी दूसरे के बारे में बताती है। नेक्स्ट आती है इफ्योमिज़म, राइट। इफ्योमिज़म्स क्या होती है, इट रेफर टू माइल्ड और इनडायरेक्ट टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट ए हर्श और ऑफेंसिव टर्म। मतलब कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को डायरेक्टली ना चीज़ों को बोल के इनडायरेक्टली बोलते हैं, ताकि सोशली और प्रैक्टिकली उसको सुनने में भी अच्छा लगे, राइट। जैसे कि किसी का डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज़ डाइड और योर फादर इज़ डाइड और योर रिलेटिव इज़ डाइड, ऐसा ना बोल के हम लोग बोलते ही पास्ट अवे, सुनने में भी अच्छा लगता है, कानों में भी जो साउंड आती है वो अच्छा होता, राइट। इस टाइप से जो वर्ड्स है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरन, टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। जो एक दूसरे पर जो वर्ड्स होती है बहुत ही ज़्यादा अपोजिट होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन, राइट। जैसे डिफेटिंग साइलेंस, राइट, डिफेनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट, इस टाइप के वर्ड जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीमोरन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एलिगोरी।
इसको हिंट्स आप देख सकते हैं, रेगुलर इरेगुलर। नेक्स्ट आता है सेकेंड लास्ट, एलिगोरी, राइट। इसके बाद और एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। द स्टोरी प्ले और ए पिक्चर इन विच कैरेक्टर और इवेंट इज सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ इवन एक्सेट्रा, राइट। ऐसा कोई कैरेक्टर, कोई स्टोरी, कोई पिक्चर जिसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज एलिगोरी, राइट। रामायण इज़ एन एलिगोरी ऑफ ट्रम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, राइट। रामायण के जो भी जितने भी कैरेक्टर हैं, राइट, वो हमें एक मैसेज देते हैं कि हमेशा किसकी गुड की जीत होती है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी हमेशा जीत होती है, राइट। सो इसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट थोड़ा बहुत, राइट। रिपीटेशन और रेजोनेंस हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखना। रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड विदाउट रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, इसमें भी साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन इस बार कॉन्सोनेंट नहीं, वावल का रिपीटेशन होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, एलिट्रेशन जो था हमारा, राइट, क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच नंबर 4 जो मैंने आपको अभी आपसे डिस्कस किया, और ए जो फिगर ऑफ स्पीच है, दिस वन इज एसोनेंस। और एसोनेंस क्या होती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसकी रिपीटेशन होती है बार बार, उसको बोलते हैं एसोनेंस। इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें जो वावल साउंड है वो हमेशा रिपीट होती है, जैसे क्राइंग टाइम, राइट, क्राइंग टाइम, हाफ स्कॉच, राइट। इस टाइप्स के जो वर्ड्स हैं वो वावल्स के साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई की साउंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है ना, हाफ स्कॉच, हो की साउंड रिप्रेजेंट हो रही है। सो इस टाइप्स के जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोनेंस की कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप यू अंडरस्टूड वेल। इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ एनी डिफिकल्टीज और वेंट द PDF ऑफ दिस वीडियो, राइट, दिस लेक्चर और दिस नोट्स, यू हैव टू मैंशन इन कमेंट सेक्शन। टिल दैन बी हैप्पी, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेसन विथ न्यू टॉपिक, एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर काइंड ऑफ टॉपिक प्लीज मैंशन इन कमेंट सेक्शन। टिल दैन सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू लेसन। थैंक यू, बाय।